हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मजे में? तो आज हम इंस्टेंट सूजी का ढोकला बनाने वाले हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और एकदम सॉफ्ट बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी का ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बाउल सूजी ली है। उसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग डाली है। फिर यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है और 1 बाउल दही डालना है। दही थोड़ा सा खट्टा लेना है। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 1.5 बाउल वाटर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें लम्स ना रहे वो बात का ध्यान रखना है। फिर उसे 30 मिनट तक रेस्ट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो सूजी ने काफ़ी सारा पानी पी लिया है। फिर उसमें 1/2 बाउल और पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमारे ढोकले को फुले फुले और सॉफ्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे इनो का यूज़ किया है। इनो डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो हमारा बैटर कैसे फुला फुला दिख रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की और उसको थोड़ी देर एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये हमारा बैटर रेडी है। अब एक प्लेट लेंगे, उसमें अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। फिर हमने तैयार किया हुआ बैटर उसमें डालेंगे। फिर उसके ऊपर लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब उसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें पानी डाला है। फिर एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर हमने तैयार की हुई ढोकले की प्लेट रखेंगे और उसको थाली से ढक देंगे और 15 मिनट तक उसे पकने देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हो हमारा ढोकला अच्छे से पक गया है। अब उसके पीसेस कर लेंगे। अब ढोकले को तड़का देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें सरसों, करी पत्ता, हरी मिर्च और तिल डाला है। तो ये हमारा बनाने में एकदम इजी और सुपर टेस्टी ढोकला बनके रेडी हो गया है। उसे गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।